हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू मम्मा चैट रूम। दोस्तों, सावन के महीने में बहुत सारे व्रत और उपवास आते हैं, तो इसी व्रत और उपवास के लिए आज मैं आपके साथ मखाना से बनी बर्फ़ी की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पैन गरम करके 1.5 टीस्पून तक हमें देसी घी ऐड करना है। उसके बाद 2 कप मखाना उसमें ऐड करके हमें भून लेना है। तो ये हमें कंटिन्यूअस उसे चम्मच से रोस्ट करते जाना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। तो इस तरह से हमें 5 से 7 मिनट करीबन उसे रोस्ट करना है, जब तक कि वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन जाते और हल्के गुलाबी रंग के होने तक हमें उसे भूनना है। पाँच से सात मिनट बाद आप देख सकते हैं वो अच्छे से उसका रंग जो है वो गुलाबी बन गया है और हाथ से वो ऐसे उसका पाउडर जो है वो बन रहा है। इसका मतलब ये क्रिस्पी जो है वो बन गए हैं। तो मिक्सर के जार में डालकर उसका पाउडर हमने बना लिया है। 1 कप मूंगफली का पाउडर, भुनी हुई मूंगफली हमें यूज़ करनी है, उसका भी पाउडर बनाकर रख देना है। चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप तक शक्कर हमें ऐड करना है और 1.5 कप तक ही पानी उसमें ऐड करना है और कंटिन्यूअस इसे चम्मच से हिलाकर शक्कर जो है वो मेल्ट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कंटिन्यूअस हमें चलाते जाना है। और चाशनी चेक करने के लिए दोस्तों, एक प्लेट लेकर हमें उसमें पानी जो है वो ले लेना है। तो साइड में मैंने एक प्लेट में पानी ले लिया है, तो बीच बीच में हमें ये चाशनी जो है उसे पानी में डालकर देखना है। अगर चाशनी की बूंदें पानी में जल्दी से घुल जाती है, इसका मतलब चाशनी अभी तक हमारी तैयार नहीं हुई है। तो और हमें उसे अच्छे से गर्म करना है, पकाना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये चाशनी हमारा बनने लगती है, उसी तरह वो पानी में जो है उसका वो थिक हो जाती है, ऐसे गाढ़ी बनकर उसकी गोली जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो है वो चाशनी के ड्रॉप्स अभी थिक होना शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में चाशनी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी, 2 से 3 मिनट तक। तो और 2 मिनट तक मैंने चाशनी को पकाया है। उसके बाद फिर से उसके ड्रॉप्स डालकर देखिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से उसकी गोली जो है वो बन रही है। इसका मतलब चाशनी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हमें उसमें 1 चम्मच तक इलायची पाउडर जो है वो ऐड करना है और इसमें पाउडर जो है वो हमें मखाना पाउडर वो ऐड कर देना है। आप चाहे तो 1 कप मखाना और 1 कप मूंगफली ऐड कर सकते, लेकिन मैं यहाँ मखाना पाउडर ज़्यादा यूज़ किया है और मूंगफली का पाउडर जितना चाशनी में सोक होगा उतना ही हमें डालना है, जितना उसमें समाएगा। तो करीबन मैंने 1/4 कप जो है वो मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड किया हुआ है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है और काफ़ी ड्राई भी बन रहा है। तो हमें एक प्लेट को घी लगाकर जो है वो ग्रीस करके रख देना है उसे निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूध मैं ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट बन जाए। तो करीबन 1 से
डेढ़ टेबल स्पून तक मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से और 2 से 3 मिनट तक हमें उसे मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ही गाढ़ा थिक जो है वो बन गया है। तो इस तरह से ये गाढ़ा बनने के बाद उसे प्लेट में हमें गैस बंद करके प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में उसे अच्छे से फैला देना है और हाथ में घी लगाकर उसे अच्छे से टैप करके प्लेन बना लेना है। जब ये ठंडा हो जाए आधे घंटे बाद तो उसमें पिस्ता के टुकड़े ऐड करके आप जैसे चाहे उस तरह से पीसेस में कट करके उसे रख देना है। तो बहुत ही इंस्टेंट ये मखाना बर्फ़ी बनके तैयार हो जाती है। आप इसे व्रत उपवास के लिए भी खा सकते हैं और मखाना जो है उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा दूध और अंडे से भी ज़्यादा होती है इसमें। तो बहुत ही हेल्दी मखाना बर्फ़ी। अगर आपको पसंद आई रेसिपी फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना।